कैसे मृत्यु हुई है, खाना में खराबी थी, क्या था, क्या चीज थी, किसने मिलाई है, क्या मिलाई है। सुबह फोन आया था, हमारे को तो यकीन ही नहीं हुआ ये कैसे वो हुआ, रात को तो बात हुई थी। नमस्कार, फिलहाल मौजूद है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर, जहां पर हमारी अभी भेंट हुई है उनके जेठ कुलदीप फोगाट जी से, और इनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि सोनाली फोगाट की जो मृत्यु की एक तरह से जब जानकारी मिली तो किस तरह से इनको जानकारी मिली, उसके बाद जो है इनका आगे जो है किस तरह से कदम इन्होंने उठाया। फिलहाल जो है इन्होंने विजिट किया है यहाँ पर इनके फार्म हाउस पर, तो क्या कहना इनका, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, कब आपको इस बात के बारे में जानकारी मिली कि सोनाली फोगाट जी? ये आज सुबह मिली है मैडम हमारे को जानकारी, इसकी डेथ हो चुकी है जी। सुबह फोन आया था, हमारे को तो यकीन ही नहीं हुआ जी। ये कैसे वो हुआ, रात को तो बात हुई थी, उनकी मदर से बात की थी उन्होंने, और उनके भाई से बात की थी, सबसे बात हुई थी, पूछती हो उसने वीडियो पे भी डाली हुई है पगड़ी बांधे हुए कल की, वो आपने देखी हो तो हाँ, तो रात तक ठीक थी वो। सुबह देखा तो होटल के अंदर वो मृत पाई गई जी। तो सर, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जब हमने उनकी बहन का बयान ये सुना है कि रात को जो है उन्होंने अपनी मम्मी को कॉल करके बताया था कि खाने में कुछ गड़बड़ी है, आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे भाई, इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए जी, भाई हमारे को पता चले क्या कारण था। द्वेष तो किसी से है नहीं, हाँ जी, हम किसी का नाम लेते नहीं, क्यों दुश्मनी थी नहीं किसी से जी, हम बगैर उसके किसी का क्यों नाम ले जी, बिल्कुल। अब वो जांच होगी तो जांच में साफ आ जाएगा भी कैसे मृत्यु हुई है, खाना में खराबी थी, क्या था, क्या चीज थी, किसने मिलाई है, क्या मिलाई है, वो तो इंक्वायरी से पता चलेगा जी। मैडम हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, यहाँ बैठे हैं, और मान लो यहाँ होती तो हम बता सकते थे भाई क्या परिस्थिति रही है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो हम तो इतनी दूर बैठे हैं। सर, सुनने में ये भी आया था कि फैमिली को जो है ये नहीं बताया गया था कि वो गोवा में, बताया गया था कि वो गुड़गांव में गई हुई है, कुछ ऐसी बात भी है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, वो बता के गई थी, मेरा सूट है, नाटक का सूट है या जाएगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद फिर डेड बॉडी लाएंगे जी। तो मतलब कल तक आशंका आप लोग जता सकते हैं कि कल तक लाई जा सकती, कल तक ही लाई जा सकेगी जी, आज तो बड़ी मुश्किल है। तो उनकी बेटी को भी जानकारी दे दी गई है सर जी? अभी नहीं, सुनने में आया कि उनके एग्जाम भी चल रहे हैं। हाँ, एग्जाम चल रहे हैं, उसके एग्जाम में फर्क ना पड़ जाए। तो कहीं में भी सोशल मीडिया से लोग को जानकारी मिलेगी, फिलहाल परिवार की स्थिति के लिए उसके बारे में तो दिखा जी, पूरे हरियाणा में तो मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सोनाली फोगाट ने जो है बहुत बड़ा नाम अपना किया था, अपने परिवार का अपना किया था, हरियाणा की स्टार बन गई थी वो जब उन्होंने बिग बॉस में एंट्री की थी, उसके बाद एक तरह से धाकड़ अपनी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन अब की अगर बात करें तो हम लोग उनके फार्म हाउस पर मौजूद है, उनके जेठ जी से हमने बात की है जिनका नाम कुलदीप फोगाट है, उनका भी यही कहना है कि अगर कोई भी इस तरह की आशंका भरी बात निकलकर सामने आती है, अगर हार्ट अटैक से उनकी मौत नहीं होती और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई, तो उसके ऊपर जो है जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अब की अगर हम लोग बात करें तो मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग थी सोनाली फोगाट की, और हमेशा जो है सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती थी, लोग उनको देखना सुनना, उनके नाचने गाने के ढंग को, उनके राजनीतिक गुण को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन अभी वो उनके बीच में नहीं रही है, लोगों के बीच में नहीं रही है, और यही है कि जो भी चीज निकलकर सामने आती है उसका दूध और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, कई लोग इस पक्ष में हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, कुछ लोग इसके पक्ष में है कि हार्ट अटैक से मौत तो नहीं हो सकती, लेकिन कारण जो भी रहा इसका जल्द से जल्द पता लगाना आवश्यक है ताकि लोगों के अंदर जो है जो भी अफवाह फैली हुई है वो साफ तौर पर सामने निकल कर आ सके। बने रहिए संसार क्रांति के साथ, मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।